सो हेलो हेलो एंड हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो अभी जस्ट द फाइनेंस मिनिस्टर हैज फिनिश्ड हर बजट स्पीच एंड आई वाज मेकिंग द नोट्स ऑफ ऑल दोज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि उन्होंने अपने बजट स्पीच में बोले हैं। वैसे तो जनरली हम शाम को 6 बजे डिस्कस करते हैं, बट दिस टाइम आई डिसाइडेड कि एक छोटा सा हाईलाइट, एक छोटा सा एक समराइज वर्जन आपके सामने बजट का आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेजर हाइलाइट्स हैं हमारे इस साल के बजट 2023-24 के। बाकी डिटेल डिस्कशन शाम को 6 बजे होगा ऑन द सेम चैनल एट 6 PM। बट बिफोर दैट 5-10 मिनट में हम अपने बजट को एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या मेजर बातें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने इस अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के बजट के लिए बोली है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस बजट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ व्यू। नंबर 1, इट वॉज द फर्स्ट बजट, इट इज द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। लास्ट ईयर हमने बताया था दैट वी आर इन द पीरियड ऑफ अमृतकाल, सो दिस इज द फर्स्ट बजट ऑफ अमृतकाल। एंड द सेकेंड थिंग वाई दिस बजट इज इंपॉर्टेंट इज दैट नेक्स्ट ईयर वी हैव जनरल इलेक्शन, सो दिस इज द लास्ट कंप्लीट बजट ऑफ मोदी 2.0। सो इसलिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बढ़िया, कुछ ना कुछ तगड़ा लेके आना ही पड़ा इस बार के बजट में। और बहुत सारी अच्छी अच्छी अनाउंसमेंट्स है, तो आओ बात करते हैं जो मेजर अनाउंसमेंट है। सबसे पहली चीज तो ये है, ये वाला जो बजट है ये 7 प्रायोरिटीज पे बेस्ड है। दिस बजट इज बेस्ड ऑन 7 प्रायोरिटीज विच आर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। राइट, विच आर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, बस सुन लेना, बाकी शाम को आपको PDF ही मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, डोंट वरी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकेंड इज रीचिंग द लास्ट माइल। रीचिंग द लास्ट माइल इज द सेकेंड प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। राइट, थर्ड वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। फोर्थ वन इज अनलीशिंग द पोटेंशियल, अनलीशिंग द पोटेंशियल इज द फोर्थ प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। फिफ्थ इज ग्रीन ग्रोथ, द गवर्नमेंट इज फोकस्ड, दिस बजट इज फोकस्ड ऑन ग्रीन ग्रोथ। सिक्स्थ इज यूथ पावर, यूथ पावर के ऊपर ये बजट काफी फोकस्ड है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द फाइनेंशियल सेक्टर। राइट, फाइनेंशियल सेक्टर हमारा 7th फोकस एरिया है इस बजट का। एंड नाउ गवर्नमेंट इज कॉलिंग दी 7 प्रायोरिटीज एरियाज एज सप्तऋषि। अब ये इन्होंने एक नया शब्द निकाल दिया, पिछली बार अमृतकाल था, इस बार निकाला इन्होंने सप्तऋषि। तो हर साल हमें एक नया टर्म, एक वर्ड नया देखने को मिलता है, तो दैट इज समथिंग ब्यूटिफुल अबाउट दिस गवर्नमेंट। Now, अगर हम कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स की बात करें, जो मेजर अनाउंसमेंट्स हुई हैं इस बजट में, तो सबसे पहली बात तो यह है भाई लोगों कि एक आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड। राइट, आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम विल बी लॉन्च्ड विद एन आउटले ऑफ 2200 करोड़, 2200 करोड़ के आउटले के साथ ये प्रोग्राम लॉन्च होगा टू इंप्रूव अवेलेबिलिटी ऑफ डिजीज फ्री क्वालिटी प्लांटिंग मटीरियल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। राइट, ये इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके अलावा द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट अ न्यू फंड, एग्री एक्सेलरेटर फंड विल बी सेटअप, एग्री एक्सेलरेटर फंड विल बी सेटअप टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द एग्री स्टार्टअप्स। राइट, एग्री स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एक नया फंड सेटअप करेगी भारत सरकार। अदर देन दिस द एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इट हैज बीन इंक्रीज टू 20 लाख करोड़, विच वॉज 18.5 लाख करोड़ लास्ट ईयर, अब ये बढ़ के कितना हो गया है 20 लाख करोड़। देन अ न्यू मिशन टू एलिमिनेट सिकल सेल अनिमिया विल बी लॉन्च्ड। सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने के लिए एक नया मिशन लॉन्च किया जाएगा एंड दिस शैल बी अचीव्ड बाय द ईयर 2047 ऑन 100 इयर्स ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। राइट, अ न्यू लाइब्रेरी, एक नई लाइब्रेरी गाइस बनाई जाएगी। राइट, बात करते हैं उसके बारे में, अ न्यू लाइब्रेरी, न्यू डिजिटल लाइब्रेरी। राइट, नॉट ओनली लाइब्रेरी, इट वुड बी अ डिजिटल लाइब्रेरी फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स, for children and adolescents will be set up where all the relevant information will be provided by the government. Right, a new program for the development of particularly vulnerable tribal groups, PVTG. So PM PVTG development yojana will be launched, PM PVTG
PVTG development yojana will be launched by the government for improving the socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups with a total outlay of 15,000 crore, 15,000 के करोड़ के आउटले के साथ. पीएम आवास योजना की बात करें, अगर हम पीएम आवास योजना का जो आउटले है, इट हैज बीन एनहांस्ड बाय 66% टू अप्रोक्सीमेटली 79,000 करोड़, राइट? तो दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर अस. इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले, व्हाट अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले जो है भारत सरकार का इस साल 2023-24 में, इट हैज बीन इंक्रीज बाय, इट विल बी इंक्रीज बाय 33% फ्रॉम अर्लियर 7.5 लाख करोड़ टू 10 लाख करोड़. 10 लाख करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा एंड दिस विल बी 3.3% ऑफ GDP. ये होगा 3.3% GDP का जो सपोर्ट भारत सरकार स्टेट्स को देती है इन द फॉर्म ऑफ 50 years इंटरेस्ट फ्री लोन्स, दैट विल बी continued for one more period. And on the lines of RIDF, there is Rural Infrastructure Development Fund. So on the lines of it, an Urban Infrastructure Development Fund will be set up by the Government of India, right? Other than this, 3 centers of excellence of AI, 3 centers of excellence for AI will be set up with an objective of making AI in India and make AI work from India will be set up. 3 center of excellence for AI will be set up in the nation. And then there will be a national data governance policy will be created. एक national data governance policy बनाई जाएगी जिसके तहत data को manage करने के लिए, data को govern करने के लिए चीजें की जाएंगी, right? Other than this, DigiLocker for businesses. अब पहले केवल इंडिविजुअल्स के लिए होता था डिजी लॉकर, नाउ देयर विल बी अ डिजी लॉकर फॉर बिजनेसेस एज वेल, ऑलराइट? इसके अलावा ग्रीन, अगर हम बात करें ग्रीन ग्रोथ के एरिया में, तो गवर्नमेंट विल गिव 35,000 करोड़ फॉर अचीविंग नेट जीरो ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, राइट? अ न्यू प्रोग्राम पीएम प्रणाम विल बी लॉन्च बाय द गवर्नमेंट to motivate states to promote the alternate use of fertilizers. PM Pranam will be launched, right? Then Bharatiya Prakritik. These are some of the most important highlights. But iske alawa bhi bahut kuch important hai hamare exam point of view, wo hum sham ko discuss karenge, don't worry. Bharatiya Prakritik resource centers will be developed. भारतीय प्राकृतिक रिसोर्स सेंटर्स विल बी डेवलप एंड विद द हेल्प ऑफ दिस 1 करोड़ फार्मर्स विल बी मोटिवेटेड टू परस्यू ऑर्गेनिक फार्मिंग, राइट? अ मिस्टी स्कीम, राइट? देयर इज अ फुल फॉर्म ऑफ मिस्टी आल्सो. मिस्टी स्कीम विल बी लॉन्च्ड फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन के लिए मिस्टी स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, ऑलराइट? दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ यूथ पावर को केटर करते हुए भारत सरकार ने यह डिसाइड किया है, यूथ पावर को केटर करते हुए, दैट प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, द फोर्थ एडिशन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना विल बी लॉन्च्ड एंड 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विल बी सेट अप. स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर्स विल बी सेट अप अक्रॉस द कंट्री, 30 नंबर, ऑलराइट? उसके बाद देयर विल बी अ यूनिटी मॉल. एवरी स्टेट विल बी एनकरेज टू सेट अप a unity mall in state capital, in the respective state capitals, for promotion and sale of ODOP products and GI tag products, right? This is again something very interesting. Talking about financial sector ki baat kar le, to credit guarantee jo MSME ko sarkar deti hai, so for that it has been extended and 9000 crore has been allocated for credit guarantee to MSMEs, right? This is something again very interesting. National Financial Information Registry will be set up to provide all types of financial information to all the departments of the Government of India, right? Iske alawa RBI Act mein aur Banking Regulation Act mein aur Banking Companies Act mein kuch amendments ki jayengi jiske bare mein sarkar detail mein aage batayegi. The senior citizen saving schemes, जो सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम है उसमें
मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट को डबल कर दिया है एंड इट हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 15 लाख टू 30 लाख. दिस इज अगेन समथिंग विच इज वेरी रेलेवेंट फॉर द एग्जामिनेशन. 30 लाख रुपए उसको कर दिया गया है. नाउ अगर मैं बात करूं हमारे फिस्कल डेफिसिट टारगेट की, तो गवर्नमेंट ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दिखाते हुए फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को सेट किया है 5.9% इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023 ऑन द लाइंस ऑफ द टारगेट सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव 4.5% फिस्कल डेफिसिट बाय द फाइनेंशियल ईयर 2025-26. दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. एंड नाउ लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यू नो जिसने सबसे ज्यादा सेटिस्फाई किया है, जिस प्रोविजन ने मिडिल क्लास को, उसके बारे में बात करते हैं, वो है टैक्सेशन का पार्ट. सो डायरेक्ट टैक्स में पहली चीज तो ये है कि जो स्टार्टअप्स के लिए टैक्स में छूट होती थी वो एक साल के लिए एक्सटेंड हुई है. दैट वॉज अर्लियर अप टू 31 मार्च 2023 एंड नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2024. सो इफ यू वॉन्ट टू सेटअप अ स्टार्टअप देन इट इज द राइट टाइम, राइट. उसके अलावा कुछ आइटम्स पे कस्टम ड्यूटी कम करी है गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से मोबाइल टीवी ये सारी चीजें जो है सस्ती होंगी. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट पर्सनल इनकम टैक्स, सो अप टू 7 लाख, यस यू हर्ड इट राइट, अप टू 7 लाख अंडर न्यू टैक्स रिजीम देयर विल बी नो इनकम टैक्स, कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. न्यू स्लैब, नई स्लैब भी इंट्रोड्यूस करी है गवर्नमेंट ने, अंडर विच 0 to 3 लाख nil income tax, 3 to 6 lakhs mein 5%, then after 6 to 9 agar hum baat kare to that will be 10%, 9 to 12 it will be 15%, 12 to 15 mein rahega 20% and above 15 lakh pe ho jayega 30%, right. There is a relief provided by the government in standard deduction also. Isse zyada kya hi chahiye? Agar aapki income 15.5 lakh se upar hai, अगर आपकी इनकम 15.5 लाख से ऊपर है, तो पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का था वो अब हो गया है 52,500, मतलब 2,500 की छूट और मिली है. और इसके अलावा द हाईएस्ट सरचार्ज रेट, हाईएस्ट सरचार्ज रेट, जो हाईएस्ट सरचार्ज रेट है, इट हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 37% टू जस्ट 25%, राइट. So these are some of the highlights, guys, of the Union Budget 2023-24. But of course, ये highlight आपको मैंने इसलिए दिए हैं so that you guys will be ready for today's evening session. तो शाम को 6 बजे मिलते हैं with the detailed analysis of Union Budget 2023-24. And I must say that this is a very beautiful budget. और वो तो होना ही था क्योंकि अगले साल elections हैं, तो सरकार को कुछ तो significant दिखाना ही था और उन्होंने दिखाया भी है. तो बात करेंगे इन द डिटेल इन द इवनिंग सेशन 6 PM. सो टिल देन इन्हीं चीजों को देखो और थोड़ा सा खुश होने की कोशिश करो कि सरकार ठीक है, हमारे लिए कुछ कर रही है, अच्छा कर रही है. बहुत सारे नई स्कीम्स लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने और ऑफ कोर्स जो अमृतकाल वाला पीरियड है उसको टारगेट करते हुए देर हैव बीन वेरियस मेजर स्टेप्स विच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट थ्रू दिस बजट 2023-24. सो आई विल सी यू इन द इवनिंग एट 6 PM विद द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ बजट. Goodbye, take care, and God bless.